95% लोग अच्छे बनने की वजह से परेशान हैं। किसी का भ्रम मालिक दूर नहीं कर पाता। मारना तो हमें तुमको वैसे भी था। पाकिस्तान से लड़ना बहादुरी नहीं है, और खुद समझकर उदाहरण बनो। यूक्रेन पे मारे थे, टप्पा खा के इधर आ गए। आप मोहम्मद साहब से बड़े हो, तो जो काम भगवान नहीं कर सकता वो तुम क्यों कर रहे हो? हर जगह लड़ना बहादुरी नहीं है। पाकिस्तान से लड़ना बहादुरी नहीं है, चाइना से लड़ना बहादुरी है। अब एक आदमी सड़क पे नंगा जा रहा है, तुम कुर्ता पजामा पहने हो और तुम लड़ गए उससे, तो तुम्हारा कुर्ता पजामा फट जाएगा ना। और चीन सूट उट पहना है, टाई लगाया है, हैट, तुम उसकी टाई खोल लिए, का जूता निकाल के दो जूता मार दिए। सबसे जीवन में नहीं लड़ा जाता। हालांकि पाकिस्तान पे मिसाइल गिरने का बड़ा असर दिखाई पड़ा, कल इमरान खान ने बड़ी तारीफ की, हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है। इमरान खान को लग रहा है कहीं ऐसा ना दो चार और मार दे उठा के सब। मिसाइलें गलती से चलती हैं, तुम चौराहे बैठे हो और राइफल से दाग दिए गोली और बगल वाले के हाथ छूके निकल गई और तुम करो भैया गलती से चल गई। अगर ऐसी गलती तुम कर रहे हो, हालांकि चलती है बंदूक के गलती से, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती। कितना शादी वादी में लोगों की डेथ होती है, लेकिन मिसाइल कि पुतिन ने कहीं मारा होगा, टप्पा खा के आ गई पाकिस्तान। पुतिन ने यही तो वो मेम भी बना था ना, कि पुतिन ने कहा भाई मोदी से कि भाई दो चार मिसाइल मार दे, क्या था ना वो यूक्रेन पे मारे थे, टप्पा खा के इधर आ गई। सब जगह लड़ना नहीं है। भगवान नहीं लड़े, कालयवन, कृष्ण का एक युद्ध कालयवन से भी है, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो जब कालयवन को बुलाया गया कृष्ण को मारने के लिए, इसीलिए इनका एक नाम है रणछोड़, तो ये भागे, दौड़ाया उसने, दौड़ाया तो ये गुफा में घुसे, वहां मुचकुंद सो रहे थे, इन्होंने अपना पीतांबर उठाया और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और छुप गए पीछे जाके, और आया और गुस्से में उसने दो तीन पैर मुचकुंद ऋषि को मारा, और ऋषि क्रोध में उठे, शक्ति का रिजर्वायर, और देखे वो जल के मर गया, अपना पीतांबर लिए डाले चले गए कि यार हमसे क्या लेना देना था। मुनिवर ने देखा कि यार वो बदतमीज आदमी था, हमको भी दौड़ा रहा था। तो जब भगवान सबसे नहीं लड़ते हैं खुलकर, तो तुम क्यों लड़ना चाहते हो? बाली को मारा ना छुपके, तुम भी ऐसा कर लो, कहीं छुप जाओ, कहीं दूसरे को लड़ा दो, पर कभी ना कभी डेमो तो देना ही पड़ेगा। एक तो डेमो देना पड़ेगा ना, तो कंस को उड़ा दिए, शिशुपाल को तो डेमो दे दिए, तो लोगों ने मारा कि बदमाश तो है, डेमो तो देना ही पड़ेगा, बिना डेमो के तुम्हारी एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी। लेकिन हर जगह नहीं लड़ना है, तो पहला फॉर्मूला क्या है कि तुम जीवन में किसी को समझा ना पाओगे, बस खुद समझो और खुद समझकर उदाहरण बनो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इस दुनिया के लिए, तब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। कुछ लोग दूसरे को समझाने में परेशान, सर हमारा छोटा वाला भाई नहीं पढ़ रहा है, जाने दो। तुम अगर परेशानियों की वजह देखो समाज में, आप अपने आसपास या अपनी ही देखो, तो कोई तुम्हारी ही वजह होगी।
तुम उदाहरण बनो कि तुम्हारे घर में लोग तुमको फॉलो करें। समझा क्यों रहे हो? कृष्ण किसी को समझा रहे हैं? नहीं, शक्ति है। गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पे, सब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, और क्या हाल है दुबे? बढ़िया भैया। तुम क्यों समझ? एक बार वो दुर्योधन को समझाने गए, गए वो भी समझाने, कहे कोशिश कर लेता हूं, बोले 5 गांव दे दो, कहा 5 इंच जमीन नहीं देंगे। तो मुस्कुरा दी कि ठोके तो हम तुम्हें वैसे भी, मारना तो हमें तुमको वैसे भी था। फिर कहा उड़ा दे, ये ना मानेगा समझाने से। तो जो काम भगवान नहीं कर सकता वो तुम क्यों कर रहे हो? अच्छे मत बनो, उदाहरण बनो। उदाहरण 95% लोग अच्छे बनने की वजह से परेशान हैं। अच्छे मत बनो, उदाहरण बनो। ये कहां लिखा हुआ है? गीता में। जब कुछ बातें समझ जाओ तो अपने तक रखो। कब तक? जब तक पावर में ना आ जाओ। पावर में आ जाओ फिर बोलो, एक हाथ में तलवार ले लो फिर बोलो कि हम भाई हैं। किसी ने कहा नहीं है, डाल दो। ऐसे मत बोलो, ऐसे सुनो। जब तुम पावर में नहीं, सुनो, सर झुका लो, सुनो, विरोध मत करो, किसी को समझाओ मत। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तुम क्यों? तुम भगवान से बड़े हो। मोहम्मद साहब अपने चचा को नहीं समझा पाए, अबू तालिब साहब को, आप क्यों समझाते हो? आप मोहम्मद साहब से बड़े हो। कृष्ण जब पैदा हुए ना तो उनके माँ बाप जेल में थे, पर पूरी जिंदगी वो रोए नहीं कि मेरी मम्मी जेल में। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हो, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप हर आदमी को हर बात समझा नहीं सकते। मालिक नहीं समझा पाता। आप अपनी जिंदगी में एक डायरी बनाइए, एक पेज बनाइए, उसमें एक तरफ लिखिए मालिक गॉड, एक तरफ अपना नाम लिखिए, फिर ये लिखिए कि कौन कौन सी चीजें जो मालिक नहीं कर सकता। पहली चीज, किसी का भ्रम मालिक दूर नहीं कर पाता। जब मालिक नहीं कर पाता तो आप क्यों कर रहे हैं? हर वो इंसान परेशान है जो वो काम करना चाहता जो मालिक नहीं कर पा रहा है।